पूरे देश की तरह कुक्षी में भी मंगलवार को बिरसा मुंडा जयंती पर जनजाति गौरव दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। पुराने मिर्ची मंडी कुक्षी के प्रांगण में भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर मंच के सामने जमीन पर भगवान बिरसा मुंडा की रंगोली का निर्माण भी किया गया था। संपूर्ण आयोजन संपन्न होने के पश्चात सभी ताम झाम तो जनपद पंचायत कुक्षी ने जिम्मेदारी से समेट लिया, लेकिन आयोजन के दूसरे दिन तक भगवान बिरसा मुंडा की रंगोली उसी स्थान पर बनी रही। उस रंगोली से वाहन और जानवरों का आना जाना चलता रहा। आदिवासी समाज और जय संगठन ने जब इस घटना को देखा तो उन्होंने इसे भगवान बिरसा मुंडा का अपमान बताते हुए रंगोली के समीप ही धरने पर बैठ गए और जिम्मेदार विभाग और उसके अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड करने की मांग करने लगे। इस अवसर पर जैस के महेंद्र कन्नौज लोकेश मुजालदा के साथ अनेकों जैस के कार्यकर्ता और आदिवासी समाजजन उपस्थित थे। महेंद्र कन्नौज ने बताया कि भगवान बिरसा मुंडा के इस अपमान से संपूर्ण आदिवासियों में आक्रोश है। हम इस कृत्य की निंदा करते हैं। इस तरह का कृत्य करने वाले दोषियों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। धरना स्थल पर प्रशासनिक अधिकारी की ओर से तहसीलदार गणपत डावर, सीओ जनपद पंचायत कुक्षी और नगर परिषद अध्यक्ष मुकाम सिंह राणे ने पहुंचकर धरना कर रहे आदिवासी समाजजनों को समझाने का प्रयास किया और अपना धरना समाप्त करने के लिए कहा, जिस पर उन्होंने एक ना सुनी और अपनी मांगों पर कायम रहे। करीब 3 घंटे तक मिर्ची मंडी में आक्रोश व्यक्त करने के बाद नाराज लोगों ने विजय स्तंभ चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। धरना स्थल पर SDM नवजीवन विजय पवार, SDOP बिलवाल ने पहुंचकर आदिवासी समाजों से बात की और माना कि बिरसा मुंडा का जो अपमान हुआ है उसके दोषियों पर आगामी 10 दिनों के अंदर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुक्षी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, जिम्मेदारों पे कार्रवाई करो, जिम्मेदारियों पर जिम्मेदारों पे कार्रवाई करो, अध्यक्ष क्रांतिकारियों का अपमान नहीं सहेंगे, अध्यक्ष क्रांतिकारियों का अपमान नहीं सहेंगे, लड़ेंगे देंगे, लड़ेंगे देंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और युवा क्रांति आई है, युवा क्रांति आई है।